नमस्कार फ्रेंड आप सभी का स्वागत फ्रेंड्स रिटायरीज और फैमिली पेंशनर के लिए पीपीओ पेंशन पेमेंट आर्डर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और उसके आधार पे आपके पेंशन कितनी मिल रही है कितना कमिटेशन हुआ है कितना कमिटेशन का पेमेंट हुआ है और कब रिस्टोरेशन होगा कौन नॉमिनी है सारी डिटेल्स में लिखे रहते हैं और बैंक्स को ये डॉक्यूमेंट पीपीओ उपलब्ध कराता है अपने को और फैमिली को फ्रेंड्स ऐसे में अभी तक सेटलमेंट के के होने पश्चात दो साल पूरा हो गया लेकिन अभी भी हमारे बहुत सो साथियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर नहीं मिला है अगर आप कंसर्न ब्रांच में पेंशन पेइंग ब्रांच से बात करते हैं तो शायद इसको उनके आइडिया नहीं होता है और उसको उसके बारे में कोई सफल जवाब नहीं दे सकते ऐसे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिटायरिंग एसोसिएशन ने अपने सेंट्रल बैंक के जीएम को पत्र लिख के कहा कि कॉन्स्टेंट अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अलेविन बाई पटाइट सेटलमेंट एड ज्वाइंट नोट डेटेड अलेविन नवंबर ट्वेंटी द पेंशन ऑफ एम्प्लाइज ऑफिसर्स हुआ नवंबर ट्वेंटी हैज ऑल्सो बीन रिवाइव एज पर रिवाइव पे स्केल Therefore, there is a need for providing revised PPOs to all such retirees. We have been a constant follow up of the Retirement Benefit Department for supplying revised PPOs to all such pensioners for more than a year. The officials of the department always intimate to us that the job of preparation of revised PPO had been entrusted to TCS and it would take some time. Sir, it may be informed that such delay had not taken place in providing the revised PPO to the pensioner at the time of revision of the pension during previous bipartite. During general body conference and committee meetings of our nation, we have been receiving anxious queries from the members about such inordinate delay in supplying the revised PPO to the pensioner. So, friends, जिस भी बैंक में अगर पीपीओ आपको प्राप्त नहीं हुआ तो आप अपने पेंशन पेइंग ब्रांच को अपने रिटायरेड रिटायर्ड बेनिफिट ब्रांच को एक मेल चिट्ठी पत्र कम्युनिकेशन जो भी कर सकते हैं वो जरूर करिए क्योंकि और ये डॉक्यूमेंट आप प्रयास करके प्राप्त करिए क्योंकि आपके लिए ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है और अगर आप किसी कारणवश आपके पास नहीं रहता है अगर कोई क्वेरीज होती है तो अगर आप ब्रांच में जाएंगे तो ब्रांच वाला हमेशा डिनाई कर देगा कि हमारे पास ऐसा कोई पीपीओ नहीं है और आपके हेड ऑफिस तक पहुंचना डिफिकल्ट हो जाएगा सो प्रयास करके अपने लोकल यूनियन से इम्प्रेस करा के अपने रीजनल ऑफिस से बात करके प्रयास करिए कि हमारे सभी रिटायरी साथियों को और फैमिली पेंशनर को पी ओ जरूर प्राप्त हो जाए और अपने रिकॉर्ड में इसे सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसकी जरूरत काम आए थैंक यू फ्रेंड्स नमस्कार